हाँ जी दोस्तों, एशिया कप 2022 के लिए बीसीसीआई द्वारा भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। बीसीसीआई ने इस बार कुछ हैरानीजनक फैसले लिए हैं। बता दें कि टीम इंडिया में विराट कोहली और केएल राहुल की वापसी हुई है। वहीं तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोट की वजह से एशिया कप में नहीं खेलेंगे। वहीं एक बार फिर से सिलेक्टर्स ने मोहम्मद शमी को भी अनदेखा कर दिया है। भारतीय तेज गेंदबाजी को भुवनेश्वर कुमार अपने अनुभव के साथ लीड करेंगे। उनके अलावा युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और आवेश खान को भी टीम में मौका दिया गया है। अर्शदीप सिंह ने हाल ही में वेस्ट इंडीज के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, दीपक चाहर को स्टैंड बाय प्लेयर्स के तौर पर चुना गया है। एशिया कप के लिए भारतीय टीम कुछ इस प्रकार है। रोहित शर्मा कप्तान, केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, दीपक हुड्डा, ऋषभ पंत विकेटकीपर, दिनेश कार्तिक विकेटकीपर, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, युजवेंद्र चहल, रवि बिश्नोई, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह और आवेश खान। दोस्तों, आपको यह टीम सिलेक्शन कैसा लगा? क्या मोहम्मद शमी को टीम इंडिया में जगह मिलनी चाहिए थी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। क्रिकेट से जुड़ी नई और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।